हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं विजम ओडेक्स पे कैसे सबमिट करना है। तो क्या है कि अब दोबारा से सारे टॉपिक हमें दोबारा कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि सभी शिपिंग लाइन के जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, जो उनकी साइट्स हैं, वो चेंज हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि विजम आपको कैसे सबमिट करना है, विजम कैसे बनाना है, वो मैं ऑलरेडी मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और विजम कैसे सबमिट करना है वो आप ये वाली वीडियो में आप देखिएगा कि कैसे हम लोग जो वीजम है कैसे ओडेक्स पे सबमिट करते हैं, वो प्रॉपरली आपको मैं डेस्कटॉप पे चल के मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी डिटेल हमें कहाँ सबमिट करनी है, कैसे सबमिट करनी है और प्रॉपरली डिटेल हमें कैसे उसमें मेंशन करनी है। तो सारी चीज़ मैं आपको डेस्कटॉप पे बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। साथ में एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपने फ्रेट फोर्डिंग कोर्स परचेस नहीं किया तो डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं मेरा पर्सनल नंबर है, डायरेक्टली कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप कोर्स की डिटेल ले सकते हैं और फ्रेट फोर्डिंग आप सीख सकते हैं और साथ में आप कहीं अच्छी जॉब भी कर सकते हैं। और अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस भी कर सकते हैं। उस पर्पज से हमने जो कोर्स बनाया है वो दोनों पर्पज से बनाया है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, जॉब से आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल सा चार्जेस है कोर्स को परचेस करने के लिए, डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं डेस्कटॉप पे चल के आपको मैं बताता हूँ कि ओडेक्स में हमें कैसे जो वीजीएम है कैसे सबमिट करना है। तो हम लोग क्या है कि डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, अब हमें क्या करना है, वीजीएम को सबमिट करना है। तो वीजीएम सबमिट करेंगे हम लोग ओडेक्स पे, ठीक है। मैनुअल वाला तो आपको मेल पे आपको भेज देना है, लेकिन जब आप ओडेक्स पे सबमिट करते हैं, मतलब ऑनलाइन सबमिट करते हैं, तो आपको किस तरीके से सबमिट करना है वो मैं बताता हूँ। पहले मैं ओडेक्स पे लॉगिन कर लेता हूँ पहले, ठीक है। मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेना है हमें, और यहाँ पे मैं वीजीएम लॉगिन कर लेता हूँ, सॉरी ओडेक्स लॉगिन। तो थोड़ा सा वेट करेंगे हमें, ये प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है इसमें, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। और यहाँ पे हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने ये लॉगिन कर लिया है, ठीक है। अब हमें वीजीएम सबमिट करना है। तो पहले तो मैं वीजीएम सबमिट करने से पहले हमें दो चीज़ें देखनी है। यहाँ पे हम ये वाला जो वीजीएम वाला ऑप्शन देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि आपका कंटेनर कौन से पोर्ट से लोड हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मुंद्रा से हो रहा है या नवाशिवा से हो रहा है, वो पोर्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं नवाशिवा सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं ये वाला जो एरो है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तो हमने लॉगिन कर लिया है, और जो मैंने कल वाली जो वीडियो, आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है कि वीजीएम कैसे बनाना है, पहले हमें वो वीजीएम बना लेना है। कैसे बनाना है आपने डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहाँ से आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आप वीजीएम बना सकते हैं। वो वाली वीडियो देखिएगा तब आप इस वाली वीडियो पर आइएगा। तो मैं वीडियो आपको पहले मैं वीजीएम दिखा देता हूँ, हमने बनाया क्या था कल। तो ये देख सकते हैं हम लोगों ने ये इस तरीके का जो वीजीएम है, हमें वीजीएम बनाना होता है, और ये हमें अब वहाँ पे सबमिट करना है ओडेक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको, जो साइट हमने लॉगिन की हुई है ओडेक्स, तो यहाँ पे हम आ गए, और यहाँ पे हमें वीजीएम में आप न्यू रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और सारी डिटेल आपको मिलेगी कहाँ से, बुकिंग कॉपी से और वीजीएम से, ठीक है। ये जो डिटेल आप देख रहे हैं जो हमें फिल करनी है, वो हमें सारी चीज़ कहाँ से मिलेगी, बुकिंग से, जो आपको शिपिंग लाइन से बुकिंग मिली हुई है उससे, और आपको यहाँ से जो वीजीएम कॉपी है इससे, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ किस तरीके से आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहला ऑप्शन देख रहे होंगे शिपिंग लाइन, ठीक है। तो हमें शिपिंग लाइन सेलेक्ट करनी है, कौन सी शिपिंग लाइन है, उस शिपिंग लाइन का नाम आपको बुकिंग कॉपी पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये शिपिंग लाइन सेलेक्ट कर ली है, वैसल आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं जो रेड कलर का जो मार्क आ रहा है, ये मैंडेटरी है, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये कई बार क्या है वैसल इसके अंदर शो भी नहीं करता है। तो हमें यहाँ पे जो मैंडेटरी है वो चीज़ें फिलअप करनी है। यहाँ पे आपको बुकिंग नंबर डालना है, जो आपका हैपैक का बुकिंग नंबर है, अभी हम हैपैक की बात कर रहे हैं, और जो भी शिपिंग लाइन है आपको यहाँ पे सिर्फ लाइन सेलेक्ट करनी है, और प्रॉपर डिटेल आपको जैसी ये है ऐसी का
जैसा भी आप इसमें मेंशन देख रहे हैं इसी तरीके से आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। जैसा है वैसा ही सेम आपको यहाँ पे मिलेगा, सभी कोई सी भी शिपिंग लाइन आप सेलेक्ट करेंगे प्रोसेस सभी का सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे बुकिंग नंबर, और इसके बाद हमें यहाँ पे थर्ड पार्टी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। थर्ड पार्टी में यहाँ पे जो आप कॉलम देख रहे हैं शिपर नेम, यहाँ पे आप शिपर नेम में डालेंगे जो भी एक्सपोर्टर है, ठीक है, या जिसके लेटर हेड पे प्रिंट है तो आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको शिपर आईसी नंबर, जैसे यहाँ पे आईसी आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आईसी नंबर आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो आईसी नंबर आपको कहाँ मिलेगा, मैंने सॉरी पीडीएफ मैंने बंद कर दिया, मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो आईसी नंबर आपने डाला है ये आपको आईसी नंबर यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसके बाद हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे ऑथराइज पर्सन जो भी इसमें हमने मेंशन किया हुआ प्रवेश आज्ञा यहाँ पे हमें डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे डेजिग्नेशन क्या है, जो भी डेजिग्नेशन आप डाल सकते हैं, यहाँ पे मैनेजर, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटिव्स, वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे हमें डाला नहीं है हमने, लेकिन यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में इस तरीके से आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही आप ब्रैकेट में आप डेजिग्नेशन भी उसका डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसका जो भी ऑथराइज पर्सन है उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ से कॉपी करके डाल देना है, ठीक है, यहाँ पे। और इसके बाद आपको कंटेनर नंबर मेंशन करना है, ठीक है। ये जो आप कंटेनर नंबर देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से कंटेनर नंबर आपको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। कंटेनर साइज़ 20 फीट है या फिर 40 फीट है, जो भी साइज़ है उसका वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको हम खाली छोड़ देंगे। कार्गो टाइप जनरल है या फिर हैज है, अगर देख लीजिए जनरल कार्गो है तो आपको यहाँ पे ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आपको मेंशन करनी है। सीएससी प्लेट वाला, जैसे मैंने आपको बताया सीएससी प्लेट में मैक्सिमम ग्रॉस वेट जो होता है यहाँ पे आप मेंशन करते हैं, जो ये वाला, ठीक है। यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग टेयर वेट इसको नहीं डालेंगे, तब भी चलेगा, अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। टेयर वेट हम लोगों ने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। एम्प्टी कंटेनर का जो वेट होता है उसको हम लोग टेयर वेट बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग डालना चाहते तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। मेन है वीजम वेट, यहाँ पे आप जो ये वाला वीजम वेट आप जो देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको वीजम वेट डाल देना है, ठीक है। इसके बाद जो वेट ब्रिज रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या उसका नाम यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है, वो हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो उसका नाम है या वेट ब्रिज रजिस्ट्रेशन नंबर का जो एड्रेस है वो, या फिर वेट ब्रिज रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, जो स्लिप में मेंशन होगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उस धर्म कांटे का, ठीक है। अगर आप नाम डालना चाहते हैं नाम भी डाल सकते हैं या फिर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हैं, स्लिप में आपको मिल जाएगा। एड्रेस आपको डालना है बॉम्बे है या फिर जो भी एड्रेस है आपको एड्रेस डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। फुल एड्रेस डालना चाहते हैं तो फुल एड्रेस डाल सकते हैं, अदरवाइज आप शॉर्ट में भी इसको डाल सकते हैं, ठीक है। वेट ब्रिज सॉरी स्लिप नंबर, आपको स्लिप नंबर जो उसका स्लिप मिलेगी उसमें एक देखेंगे, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, एक होगा स्लिप नंबर। तो यहाँ पे तो आप स्लिप नंबर डालेंगे जो आपने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्लिप नंबर डालेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर उसका नाम, ठीक है, नाम डालेंगे तो भी चल जाएगा। इसके बाद डेट और टाइमिंग, आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, टाइमिंग नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, ठीक है। जो डेट है मंथ है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करना है और ऑथराइज लेटर बाय शिपर, ठीक है। हम लोग ये लेटर दे रहे हैं उसके लेटर हेड पे, और उसके बाद यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वीएल अटैच कर देंगे और नेक्स्ट सबमिट कर देंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपका जो वीजीएम है वो सबमिट हो जाएगा और आपको एक नोटिफिकेशन मेल भी आ जाएगा ओडेक्स की तरफ से, ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी उस पे। और इसे हमें ट्रैक कैसे करना है, यहाँ पे आप जाएंगे ट्रैक रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे कि हमारा वीजीएम सबमिट हुआ या नहीं हुआ है, मोर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हमें कितनी सी कितनी डेट तक के बीच में हमें वीजीएम देखने की हमने सबमिट किए हैं, एक तारीख से हम लोग देख लेते हैं, और ऑल पे यहाँ पे क्लिक कर देना है और सर्च, ठीक है। जितने वीजीएम हमने सबमिट किए होंगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये वाले वीजीएम सबमिट किए हुए हैं और यहाँ पे वेरीफाइड भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वीजीएम का तरीका है, इस तरीके से आपको ओडेक्स पे वीजीएम सबमिट करना होता है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको प्रॉपरली समझ में भी आया होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताया कि किस तरीके से आपको जो वीजीएम है आपको सबमिट करना है और कौन सी डिटेल हमें काम मेंशन करनी है, वो प्रॉपरली मैंने आपको इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो के लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।